हाय गाइस, वेलकम टू आर व्लॉग्स। और अभी अभी मुझे गूंज का फोन आया है और मुझे उन्होंने बुलाया है मॉल में। अब कौन से मॉल जाना ये एग्जैक्ट नहीं पता, शायद इनऑर्बिट मॉल जाएंगे, और पर मुझे इनऑर्बिट मॉल उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने उनसे बोला था कि इन्फिनिटी चलूँ, पर फिलहाल मुझे नहीं पता एग्जैक्टली हम कहाँ जाने वाले हैं। रास्ते में वो लोग मुझे मिल जाएंगे, तो लेट्स सी आगे का प्लान क्या बनता है और आपसे मुलाकात होगी वहीं पर। मुझे यहाँ पर वेट करने के लिए बोला था और मैं इनका वेट कर रहा हूँ और अभी तक ये लोग पहुँचे नहीं हैं। देखते हैं कब तक आते हैं और कब तक वेट करना पड़ेगा। ये आ गए, ट्रिपलिंग करते हुए आए हैं। देखो ये लोग किधर से आ रहे हो। डबल चेकिंग के बिना किसी को आने नहीं दे रहे। बेचारी पूजा का सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से छुट्टी है। मिला सर्टिफिकेट ना? गाइस, इन ऑर्बिट में बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ। ज़्यादातर हम लोग इन्फिनिटी मॉल ही जाते थे। अब हमारा अगला टास्क है फयाज और गूंज को ढूंढना, ये लोग किधर गए। ये दोनों हमको मिल गए हैं फिलहाल यहाँ घूमते हुए। ये तुम लोगों ने पार्किंग कहाँ करी, अंदर करी कि बाहर? अभी फिलहाल मैं H&M के अंदर हूँ, H&M शोरूम के अंदर हूँ, गर्ल्स सेक्शन है ये। और गूंज वहाँ पर शॉपिंग कर रही है और मैं फिलहाल घूम रहा हूँ यहाँ। सामने JBL के शोरूम में बाहुबली मूवी का सीन चल रहा है। इस सीन में मुझे एक चीज़ बहुत फनी लगती थी, इन लोगों की तीरें ही ख़त्म नहीं होती थी। इतने लोगों को मारा इन लोगों ने और तीरें लास्ट में भी उतनी की उतनी थी जितनी पहले थी। गाइस, JBL का ये स्पीकर कितना कूल लग रहा है, देखिए इसके डिस्प्ले भी है जिसमें ये लाइटिंग वगैरह आ रही है। ऐसा इफेक्ट है जैसे आग लगी हुई है, अच्छा लग रहा है। कुछ मिला? मिला कुछ? नहीं आया वैसा कुछ। ये लोग कब से देख रहे हैं, फिटिंग रूम बंद होने में से 5 मिनट बचा है। तुम लोग अभी नहीं लिया तो फिर नहीं ले पाओगे। चलो फिर, जब यहाँ समझ नहीं आ रहा था चलो फिर। गाइस क्या सुंदर बनाया है बीच में, एकदम बहुत ही बढ़िया। वह तो इन्फिनिटी मॉल में भी था ऐसा ही, मैंने आपको दिखाया था जिसमें धनुष बाण बना था। ये देखिए, मुझे लगता है दशहरे के टाइम से ही लग गया था और दीपावली तक रहेगा। इन्होंने देखिए ये भी कमल का फूल बनाया है, बहुत ही बढ़िया। हम लोग काजो के नीचे खड़े हैं, काजो, अगर मैं इसे सही प्रोनाउंस करूँ, काजो। ये मुझे पता है कोरियन फिल्म्स के कैरेक्टर लग रही हैं तीन। कितनी शांति से बैठी हुई है, बहुत शांति से बैठी हुई। क्या क्या ले रहे हो? बर्थडे ड्रेस। गाइज ये बनाया गया है फोटोग्राफ लेने के लिए, आप यहाँ पर खड़े होकर फोटोग्राफ ले सकते हैं। कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। गूंज आ जा, फोटो खींचेगी, आ जाओ। शक्ल क्या देखना है यहाँ पर, कितना बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड यार। चलो बहुत अच्छा आएगा इधर फोटोग्राफ। ये देखो फयाज चला भी हो गया, रेडी भी हो गया फयाज। इसके एक ही आँख क्यों है लेकिन इस पुतले की यार, इन दोनों की एक एक आँख है, इसके एक भी नहीं। दिखाओ, अच्छा लग रहा है। कौन सा देख रही, येलो? येलो ज़्यादा बेटर लग रहा है ना, येलो वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। उससे लोगों को भूख लग रही है और पूजा और गूंज शॉपिंग पे बिजी हैं और बाहर ही निकल रहे हैं। मॉल बंद होने में आधा घंटा बचा है, तो जाने हमारे नसीब में आज खाना है कि नहीं है। मुझे नहीं लग रहा हमको खाना नसीब होगा आज मॉल का। पूजा सबको पार्टी दे रही है। नहीं, मैं कोई पार्टी नहीं दे रही हूँ। पूजा सबको पार्टी, डोमिनोज की पार्टी, आज पार्टी नहीं है ऐसे ही। अच्छा वैसे ही दे रही है, ओके, पार्टी नहीं दे रही है, वैसे ही वैसे ही खिला रही है। हम लोगों को शॉप पे मिल गई लेकिन कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हम लोग कौन सा पिज्जा लें। आज पिज़्ज़ा हट में डिस्काउंट चल रहा है कि 50% डिस्काउंट है, कोई भी पिज़्ज़ा लोगे तो 50% डिस्काउंट चल रहा है। कौन सा वाला लिया? फीस्ट कुछ था, चिकन फीस्ट। चिकन फीस्ट, ट्रिपल चिकन फीस्ट, चिपल ट्रिकन फीस्ट। बहुत इंतज़ार के बाद आया है।
ये चाउमीन है क्या? गाइस पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा के हो गया, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मुझे ने तो पिज़्ज़ा भी नहीं खाया, उसके कुछ तो सर में दर्द वर्द हो रहा था। ये देखिए समुद्र मंथन में से ये कलश निकला है यहाँ पर। कल हम लोग आए थे, इन ऑर्बिट मॉल गए थे हम लोग, और आज हम लोग इन्फिनिटी मॉल में हैं। और एज यूजुअल सोचो कहाँ हो सकते हैं, गूंज की फेवरेट प्लेस कहाँ है? KFC। हम लोग KFC में हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आज लगी कि मेरे को एक कुछ तो नया दिखा है। ये Hello? ये अंकल ने नई फ़ोटो करवा ली, आपको पता है पहले इनकी फ़ोटो कुछ और आती थी ना, अब ये नई फ़ोटो खिंचवा ली है। चलिए इनको बधाई हो नई फ़ोटो की। फ़िलहाल आज मैंने शॉपिंग की है थोड़ा यहाँ पर आके, और क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ तो अपने लिए कुछ कपड़े वपड़े मैंने सोचा ले लूँ। इनऑर्बिट से मैंने कुछ नहीं लिया था आज, फ़िलहाल इन्फिनिटी मॉल से थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग ली। अब यहाँ से थोड़ा घर का सामान लेने जाना है, वो डी मार्ट वगैरह जाना है, और वहाँ से फिर निकलेंगे घर। गूंज और मैं मॉल से आ गए थे, और गूंज उसके बाद डांस क्लास चली गई थी। मैं गूंज को छोड़ के वापस जा रहा था तो इतने मुझे कॉल आई गूंज की, और उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी तो उसने बोला कि मेरे लिए वड़ा पाव और छाछ ले आओ। तो अब उसके लिए मैं छाछ और वड़ा पाव ले कर जा रहा हूँ। मुंबई में सबसे ज़्यादा वड़ा पाव ही चलता है। हेलो, ये कैसे पतली हो गई है? कैसे पतली हो गई ऐसे? मैंने तो पता है ये ओरिजिनल लाइन है। ये लड़की वड़ा पाव खा रही है और डाइट भी कर रही है, एक साथ दोनों चीज़ें कैसे मैनेज कर रही हो? गूंज लोगों की वड़ा पाव पार्टी खत्म हो गई, वहाँ डांस चालू हो गया, और मैं जा रहा हूँ अभी घर को क्योंकि मुझे है बहुत काम, रात से वही मिलता हूँ। आज यहाँ घर के बगल में एक नई दुकान खुली है तो यहाँ पर मिक्की माउस खड़ा हुआ है, तो सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। बच्चों की रौनक हुई है, बच्चे इन्हें देख देख के बहुत खुश हो रहे हैं। बच्चे कितना खुश हो रहे हैं देख देख के, बच्चों के स्टार यही हुए। गाइस आज हमारे पड़ोसियों के वहाँ विस्फोट हो गया है, और विस्फोट ऐसा हुआ है आप हालत देखो पूरे, ये सब चिपकी दालें हैं ऊपर ये, और ये देखो ये पूरा कुकर पूरा फट गया, इधर गैस वैस बिल्कुल फट गई। अच्छा वो किसी के चोट वोट नहीं लगी, बच गए सब लोग। तो गाइज ये देखिए कितने प्रेशर से ये फटा है कुकर की, पूरा गैस पिचक गया अंदर, कांच चूरे चूरा हो गया, और पूरे इधर फैल गया ये देखो ऊपर, पूरी दाल खिचड़ी बन चुकी है, इधर तक आया ये, बाप रे। बाहर तक। और बर्तन कौन धो रहा था आप? ये बर्तन धो रहे थे, बच गया। ये देख लो कुकर फटने के बाद का क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, सब लगे पड़े साफ सफाई में। वो क्या हुआ, गैस फेंक दी? वो बाहर। इधर तो पूरा साफ हो गया है, चमक गया ऊपर। जो बाद में आने वाले ना उनको पता, अरे जो बाद में आएंगे उनको पता ही नहीं चलेगा यहाँ कुछ हुआ भी था। हमारे पड़ोसियों का कुकर फट गया, और आपने देखा ही पूरे दीवारों का हाल कैसा हो गया है, पूरा गैस बिल्कुल चूर चूर हो गई थी। एक्चुअली उनकी गैस के ऊपर कांच था, थोड़ा डेकोरेटिव टाइप की गैस थी, तो पूरा कांच चूर चूर हो गया था, गैस पूरी नीचे दब गई थी, मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया था गाइस। और वो बगल में खड़ी हुई वहाँ पर बर्तन साफ कर रही थी, और वो भगवान का शुक्र है कि उनका कुकर उनके लगा नहीं वहाँ पर आके, वरना मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि कुकर लग जाता है तो आदमी वहीं निकल जाता है। तो अच्छी बात ये हुई कि किसी को चोट नहीं पहुँची, क्योंकि उनके घर में बच्चे हैं, किसी को लगी नहीं। चलो कुकर फटा, चीज़ें तो दोबारा आ जाती हैं, लेकिन आदमी जो है सेफ है, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो ये था गाइज, आप भी कभी ऐसा होता है कुकर में जब भी आप कुछ बनाते वगैरह हैं तो थोड़ा ध्यान दिया कीजिए कि कुकर का जो है ब्लॉकेज तो नहीं है, सीटी वगैरह बंद तो नहीं, क्योंकि गैस को निकलने के लिए रास्ता चाहिए होता है, ज़्यादातर इन्हीं वजह से होता है। और कुकर जब भी लें अच्छी क्वालिटी का लें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी दुर्घटना करवा सकती हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए, और मैं जा रहा हूँ इस व्लॉग को एडिट करने, और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ़।